खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतसंगत जी, पोह का महीना साढ़े वास्ते फकीर दे माला दे मणकिया की न्याई है। जिवें मणकिया नू फड़ के फकीर नू रब चेते आउंदा है, इस तरह पोह की सीत सानू गुरु गोबिंद सिंह जी का सरबंस याद करवाउंदी है। सानू कच्ची गड़ी की छत ते सुते हुए गुरु के प्यारे सिंह चेते करवाउंदी है। सानू माछीवाड़े की कंडियाली सेज याद करवाउंदी है। सानू सरसा का किनारा चेते आउंदा है ते सानू ठंडे बुरज दीआं सीत हवावां याद आउंदीआं ने। सो ज्यों ज्यों पोह की सीत साडे जिसम नू छूंदी है, त्यों त्यों मैं तुहानू अर्ज करांगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे सरबंस नू सिमरियो। शायद तुहानू इतिहास का निग तुहाडे अंदर जमीर नू जिंदा कर देवे, साडे अंदर एक नवा जीवन पैदा कर देवे। सारा पंथ इस महीने समर्पित होकर गुरु के लाला नू याद कर रहा। जिहड़ा साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े ने, वड्डे साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा 22 दसंबर है श्री चमकौर साहब, छोटे साहिबजादियां ते माता जी का शहीदी दिहाड़ा 27 दसंबर है, जिदन शहीदी नगर कीर्तन श्री फतेहगढ़ साहब तो पूरे 9 बजे आरंभ होके तो फिर ज्योति सरूप साहब दोपहर तक समाप्त होंदा। बड़े वैराग च बड़े प्रेम विच सिख संगतां एक वक्रे जे एहसास नाल हाजरियां भरदियां, जिवें कोई अंतम यात्रा विच शामिल हो रहा होवे। तो उस शहीदी दिहाड़िया जिहड़ा असीं 25, 26 ते 27 तरीक नूं मुख रूप से मनाउंदे आ, 27 नूं शहीदी नगर कीर्तन है, उहदे नाल ही साहिबजादियां दा जिहड़ा शहीदी सफर है परिवार नालों विछड़ के, जिहनूं असीं सफरे शहादत नाल चेते करदे हाँ, वह 21 दसंबर नूं छन बाबा कुम्मा माशकी, 22 दसंबर नूं सहेड़ी पिंड, 23 दसंबर नूं कोतवाली साहब ते 24 दसंबर नूं ठंडे बुरज दी सरदल ते बैठ के एक डूंघा अहसास के मां गुजरी। उस दिन तेरे गोद विच 2 लाल बैठे सन, अज सारा पंथ तेरी गोद च बैठा है। आओ पंथ जी, रल मिल के सिर जोड़ के बैठीए। कौमी पीड़ा का अहसास साडे अंदर साहिबजादियां दी शहीदी जगाएगी, साडी आत्मा निर्मल हो उठेगी ते असीं कौम नूं समर्पित हो के अपने निज तो उपर उठ के जूना सिख लवांगे। एक बेनती तुहानूं होर कि 25 दसंबर का दिन साडा जिहड़ा बचपन है वह छुट्टी नूं इंजॉय करदा गुआचिया हुंदा। कई बार टॉफियां वंडण वाले उन्हां दूसरे मतां दे तिहारां दे विच, असीं किसे दे विरोधी नहीं हाँ, पर अपने बच्चियां नूं जरूर दसो कि 25 दसंबर गुरु गोबिंद सिंह दे नन्हे जे लाल कौम दीआं नीहां पक्कियां कर रहे सन ठंडे बुरज विच बैठ के, ते बचपना टॉफियां दे स्वादां च ना डुब्बे दूजिआं दे देखा देखी बल्कि धर्म दीआं पैड़ां ते तुरन दा यतन करे। आओ सारे सिर जोड़ के गुरु पंथ दा अंग बन के, गुरु गोबिंद सिंह दा परिवार बन के इन्हां समागमां च शमूलीयत करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।